गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम सीपा वर्मा, टीचर फ्रॉम विमला देवी पब्लिक स्कूल, स्टडिंग क्लास थर्ड, सब्जेक्ट ईवीएस। टुडे वी रिवाइज अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 22, द वर्ड्स वर्ड ऑफ सिंबल्स एंड साइंस, संकेतों और प्रतीकों की दुनिया। ओके, संकेत सिंबल मीन्स चिन्ह, प्रतीक एंड साइन मीन्स संकेत। वी जनरली कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई टॉकिंग, हम सब क्या है एक दूसरे को अपनी बात कैसे कहते हैं, बोल कर, है ना। बट द मैनी टाइम्स वी आर एबल टू कम्युनिकेट अबाउट स्पीकिंग, कम्युनिकेट विदआउट स्पीकिंग। थिंक ऑफ द सम ओकेशन वैन यू वी आर एबल टू कन्वे अ मैसेज टू यूर फ्रेंड विदाउट स्पीकिंग एनी थिंग। बट कई बार क्या होता है, हम बिना बोले भी चीज़ों को बोल जाते हैं। मीन्स हम बोलने के लिए अपने माउथ का यूज़ नहीं करते, मुंह से अपनी वॉइस का यूज़ ना करके भी हम कुछ चीज़ों को बोल देते हैं और सामने वाला जो है जिनसे ये बात कर रहे हैं वो बात समझ भी लेते हैं। तो ये जो हम बिना बातों की जो बात कर जाते हैं वो होता है आपका साइन लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं साइन लैंग्वेज मीन्स संकेतों की भाषा या इशारों की भाषा। जैसे इशारों में बात करना जो होता है ना, इशारों में जब आप बात करते हैं तो क्या आपको किसी की वॉइस सुनाई देती है? नो, है ना। आप देखकर जो सामने वाला आपको जो साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, जो इशारों में बात कर रहा है, उसे आप समझ कर क्या करते हैं, रिप्लाई भी कर देते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि जनरली हम तो ऐसे तो बात करने के लिए टॉकिंग मीन्स बात करके ही मुँह से जो बात करते हैं, मुँह से बोलकर एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं। बट कई बार क्या होता है, बात करने के लिए बोलना ज़रूरी नहीं है, उस टाइम पे हम इशारों की जो साइन लैंग्वेज है उससे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आपको सोचकर बताना है कि ऐसा कौन सा ओकेशन है जिसमें आप कोई मैसेज है सूचना है उसे अपने फ्रेंड को बिना कुछ बोले देते हैं या बिना कुछ बात किए, माउथ का यूज़ किए, बिना जो साइन लैंग्वेज है उसके थ्रू आप कहाँ कहाँ पे बात करेंगे? एट एग्ज़ाम हॉल, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप बात नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं, जनरली हम साइन लैंग्वेज इशारों की भाषा से बात करते हैं। विशिंग फॉर द एग्ज़ाम, अगर आपको अपने फ्रेंड को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए विश करना है तो आप क्या करते हैं, थंब दिखा के, अपना अंगूठा को दिखा के उनसे ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। अप्रिसिएटिंग फॉर द मैच, अगर मैच के लिए अप्रिसिएट करना है अपने फ्रेंड्स को अप्रिसिएट करना है या कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है तो आप अपने थम से, क्लैप से, बाई साइन लैंग्वेज आपकी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाउ डिड यू डू दिस, आप ऐसा कैसे करेंगे कि बिना बोले आप अपने फ्रेंड को अप्रिसिएशन है, विश करना है या कोई जो मैसेज है कन्वे करना है, आप कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिग्नल, आप जो संकेतों की भाषा है, इशारों की भाषा है, उसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। थिंक ऑफ हाउ यू विल डू टू फॉलोइंग विदाउट एक्सप्रेसिंग देम इन वर्ड्स, हाउ विल डू टू विदाउट एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस नहीं करना है शब्दों में, बिना बोले इन चीज़ों को आप कैसे करेंगे? ग्रीटिंग अ गेस्ट, गेस्ट को ग्रीट कैसे करेंगे? वेलकम, जो आप हाथ जोड़ के जो वेलकम करते हैं, या आप स्माइल कर देंगे जिससे सामने वाला समझ जाता है कि आप वेरी हैप्पी टू सी यू, है ना। अगर आप वेलकम करना है तो आप अपने हाथ को, दोनों हाथ को जोड़ के जो हम नमस्ते करते हैं उस फॉर्म में आप किसी को वेलकम कर सकते हैं, या आप अपने फेस पे स्माइल देंगे तो सामने वाला समझ जाता है कि आप कहना चाह रहे हैं वेरी हैप्पी टू सी यू। आस्किंग योर फ्रेंड टू कम क्लोज, अगर आपको एक फ्रेंड को कम पास आने के लिए कहना है तो कम टू मी कहना है, तो आप इशारे से कह सकते हैं कि नहीं, कम टू मी। आस्किंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, हाँ इसे भी आप साइन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, प्लीज़ गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर। आस्क मॉनिटर आस्किंग क्लास टू बी साइलेंट, अगर साइलेंट रहने के लिए बोलना है तो क्या करेंगे, फिंगर योर माउथ, माउथ पे फिंगर रखेंगे, तो इससे इस लैंग्वेज साइन लैंग्वेज से सभी बच्चे समझ जाएंगे कि क्या होना है आपको, कि क्वाइट होना है, आपको शांत रहना है। टेलिंग यूर फ्रेंड टू कम आउट टू प्ले, अगर अपने फ्रेंड को बाहर खेलने के लिए बुलाना है तो आप क्या कहेंगे, आई सेड दैट लेट्स प्ले आउटसाइड, ये आप अपने लैंग्वेज में कहेंगे। बट साइन लैंग्वेज में क्या करेंगे, क्या कह कैसे बोलेंगे इसे, आप पाई साइन लैंग्वेज है ना, इशारों की भाषा से आप उसे इशारा करेंगे कि कम लेट्स टू प्ले आउटसाइड। अप्रिसिएटिंग अ सॉन्ग, अगर किसी ने अच्छा गाना गाया तो इसके लिए क्या करेंगे,
आप क्लैप करेंगे, है ना। क्लैप करने से क्या, क्लैपिंग का मीन्स होता है आप सामने वाले को क्या कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं। ओके, साइन लैंग्वेज विथ एक्शन हेल्प अस कन्वेइंग अवर मैसेज टू अदर। साइन लैंग्वेज जो होता है इशारों की भाषा एक्शन के साथ, एक्शन मीन्स जिसमें आप अपने हैंड का माउथ का यूज़ कर रहे हैं, बिना वॉइस निकाले ना माउथ का यूज़ कर रहे हैं, बट आप क्या करेंगे उसके सिर्फ साइन लैंग्वेज के लिए, आप उसमें बात करने के लिए नहीं करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू अपने मैसेज को, आपको जो भी बात करना है दूसरे तक समझाया जा सकता है। मैन यूज टू कम्युनिकेट विथ इच अदर इन दिस वे लॉन्ग बिफोर ही लर्न टू स्पीक। पहले के टाइम पे जब लोग बोलना नहीं सीखे थे, उनको बोलना नहीं आता था, भाषा का ज्ञान नहीं था, लैंग्वेज नॉलेज नहीं था, तो एक दूसरे से जो मैसेज कन्वे करना था या एक दूसरे को कोई भी चीज़ बतानी थी, तो ये साइन लैंग्वेज जो इशारों की भाषा है उन सब उसका ही यूज़ वो किया करते थे। ही देन स्टार्टेड ड्राइंग अ सिंबल टू कन्वे हिज मैसेज टू अदर। तो पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, कुछ भी चीज़ बताना रहता था तो सिंबल जो है कोई कुछ भी चीज़ है जो बताना है तो क्या करते थे, उसकी ड्राइंग बना देते थे। ड्राइंग बना के वो क्या करते थे, अपने मैसेज को वन टू अनदर प्लेस में है या वन टू अनदर पर्सन को कन्वे करते थे। इफ़ सिक्स ऑफ द देम वेंट हंटिंग देम वन सिंबल वुड शो व्हाई एंड अनदर वुड शो हाउ मैनी लाइक दिस। अगर सपोज़ कोई हंटिंग पे गया है, शिकार पे गया है, तो देखिए यहाँ पे पिक्चर से आपको दिखाया जा रहा है। पहले के टाइम पे जो साइन लैंग्वेज था उसका वो यूज़ कैसे करते थे, तो फर्स्ट ऐसे पिक्चर ड्रॉ कर देते थे, ये पिक्चर क्या शो कर रहा है, टू शो दे हैव गॉन फॉर हंटिंग, ये दिखा रहा है कि ये इन लोग क्या करने गए हैं, हंटिंग करने के लिए गए हैं, हंटिंग मीन्स शिकार करने के लिए गए हैं। दैट सिक्स ऑफ देम हैव गॉन, और उनमें से जो कितने लोग कितने इन्होंने शिकार कर लिया है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ पे 6 जो एनिमल्स है उसका हंटिंग कर लिया गया है। तो ऐसे ही सिंबल या ड्राइंग का यूज़ करके पहले के टाइम पे क्या करते थे, जब बोलना नहीं सीखे थे ना, उनको लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था, तब ऐसे ड्राइंग का यूज़ करके वो अपने मैसेज को कन्वे करते थे। साइंस इन मैथ्स, मैथ्स में हम कौन कौन से साइन का यूज़ करते हैं, कौन कौन से संकेत हैं, चिन्ह हैं जिनका यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज सम साइंस इन मैथ्स टू कनेक्ट टू क्वांटिटीज। हम दो जो क्वांटिटी है, दो नंबर हैं, दो चीज़ें हैं, उन्हें कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे साइन हैं, बहुत सारे संकेत हैं जो मैथ्स में भी यूज़ करते हैं। कैन यू से व्हाट साइन इज़ गिवन इन द टेबल एंड व्हाट इज डस फिल इन द टेबल। गिवन, आपको क्या करना है, मैथ्स में ये जो साइन है उसका यूज़ किस के लिए किया जाता है, इससे पहले बताना है कि ये जो साइन है उसे किस नाम से जाना जाता है मैथ्स में और उसका यूज़ क्या है, ठीक है। साइन बाय व्हाट नेम डू यू नो इट, आप किस नाम से इस साइन को जानते हैं, व्हाट डज इट और इस साइन का यूज़ क्या है। फर्स्ट है देखिए, स्लिपिंग लाइन में स्टैंडिंग लाइन अगर क्रॉस कर दे तो ये कौन सा साइन बन जाता है आपका, प्लस साइन। और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एडिशन जोड़ने के लिए। सेकेंड स्लिपिंग लाइन जो है माइनस साइन, इसका यूज़ किया जाता है सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाने के लिए। क्रॉस साइन जो होता है इनटू या मल्टीप्लिकेशन का होता है, इसका यूज़ हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा करने के लिए करते हैं। देन दिस साइन इज डिवाइड, सॉरी, दिस साइन इज यूज फॉर डिविजन मीन्स टू क्वांटिटी है उसको भाग करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ ग्रेटर साइन, इसका यूज़ हम टू क्वांटिटी में कंपेयर करने के लिए करते हैं। एंड दिस इज लेस देन साइन, दिस साइन इज ऑल्सो यूज फॉर कंपेरिजन। ओके, यू मस्ट हैव सीन साइन ऑफ द रेड क्रॉस वेरी ऑफ्टन, आपने इस टाइप का जो रेड क्रॉस साइन बहुत जगह पे देखने को मिलता है। ये कौन सा साइन है, जनरली ये साइन हम कहाँ देखते हैं, हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस में, है ना। इस साइन का यूज़ हॉस्पिटल के लिए किया जाता है। दिस साइन इज़ रिलेटेड टू रेड क्रॉस सोसाइटी, ये जो साइन है वो रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उससे रिलेटेड है। दिस इज़ अ वॉलेंट्री ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस साइन को दिया गया है जिसका पर्पस होता है, जिसका उद्देश्य होता है मानव जीवन और उसकी मानव जीवन है और मानव का हेल्थ है ना, उनका सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना। विच अदर साइन हैव यू सीन योर सराउंडिंग, अगर आप अपने आसपास कोई और दूसरी तरह के साइन भी देखते हैं, मेक देयर लिस्ट एंड डिस्कवर देयर यूज़, तो उसकी लिस्ट बनाइए और यह भी पता करिए कि इस साइन का यूज़ किस पर्पज़ के लिए करते हैं।
ओके सपोज यहाँ पे हमने दो तीन साइन पुट किया है। यहाँ पे देखिए जैसे सर्कल बना के यहाँ पे आपको डार्क एक डार्क सर्कल बना हुआ होता है, मीन्स वो साइन आपको बोलता है स्टॉप, यहाँ पे रुक जाइए। 50, 70, 60, 20 अगर यहाँ पे लिखा होता है, ये होता है स्पीड लिमिट, मीन्स आपको यहाँ पे जो बाइक है उसको इसी स्पीड तक ही चलाना है। एक दो अपोजिट साइन दिया रहता है उसका मीन्स होता है नैरो ब्रिज, मीन्स आगे जो है सकरा बांध है। तो ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो साइन हैं, कुछ तो ट्रैफिक रूल के साइन होते हैं कि आपको रोड पे कहाँ चलना है, किस साइड पे चलना है, कहाँ मुड़ना है, और बहुत सारे साइन जो है होते हैं जिनका साइन भी होते हैं और जो वो अपने साथ साथ ये चीज़ें भी बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे साइन का यूज़ करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दैट इज़ आवर चैप्टर नंबर 22, द वर्ड ऑफ सिंबल एंड साइन कंप्लीटेड। ओके।